चलो गाइस, आज हम बात करने वाले गूगल पे अपना फोटो कैसे ट्रेंड करवा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, मतलब गूगल पे फोटोज आते हैं मेरे खुद के, आते हैं, मैं आप स्क्रीन के साइड में देख सकते हो। मेरा नाम जैसे सर्च करोगे समरेश अधिकारी, तो मेरी फोटोज, इमेजेस और फेसबुक अकाउंट, फिर फेसबुक पेज है मेरा, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये सब आते रहे, ठीक है। इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कैसे इस ट्रिक से मैंने अपना जो होता है फोटोज होते हैं, जो आईडी होते हैं, मैंने रैंक करवाया है। सो गाइस, वीडियो का एंड तक देखना। ये वीडियो सब यूट्यूब पे बहुत ही मिल जाएगा, ठीक है, हजारों वीडियोज इस पे है। तो मैं अपना खुद का ओपिनियन देने वाला हूँ और मैं बोलने वाला हूँ मैंने कौन सा ट्रिक यूज किया था जिससे मेरा फोटोज सब आ रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, समरेश अधिकारी 9033 ये हमारे यूजर नेम है, जाके फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, गूगल में फोटो रैंक करवाने के लिए सबसे पहले कुछ अकाउंट्स की जरूरत होती है, क्या क्या करना होता है, कौन से वेबसाइट पे जाना होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखना, ठीक है, क्लिक किया तो पूरे एंड तक देख ही लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियोस मेरे शॉर्ट ही होते हैं, 3-4-5 मिनट के वीडियोस होते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, वीडियो में सबसे पहले आपको एक काम करना है, गूगल प्लस और ट्विटर अकाउंट दोनों बना लेना है, ठीक है। अभी वीडियो जैसे देखते हो उसके बाद ही आपका ट्विटर अकाउंट बना लेना, और उसके बाद अपना प्रोफाइल अच्छे से सेट करना, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग करते हैं वैसी तरह आपको गूगल प्लस, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन, और ट्विटर, ये दोनों एप्लीकेशन पे आपको करना होगा, अकाउंट बनाना होगा खुद का। और सबसे एक बड़ी बात इस पे क्या होता है, बहुत सारे नाम सेम सेम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम है समरेश अधिकारी, तो ये नाम किसी के पास नहीं है, ठीक है। मैं जो काम करता हूँ, मैं जो टेक्नोलॉजी में जितना भी मैं 3 साल से हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले से करके रखा था, ठीक है। कोई मेरा नाम वाला कोई आ जाए तो उस पे क्या होता है, वो भी फोटो रेंट करवा सकता था, उससे पहले ही मैंने कर लिया, तो अब क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका नाम यूनिक होना चाहिए तो ही आपका ट्रेंड करेगा, ठीक है। आप कोई भी, आप एक्स वाई जेड नाम लेते हो, ठीक है, कोई फिल्म स्टार का नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई फिल्म स्टार का नाम है आपका जो उसी नाम से मैच करता है, तो आपका ट्रेंड में नहीं आ सकता, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ यूनिक नाम ट्विटर का रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह एक ही नाम रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंस्टाग्राम का जो आईडी होता है सब कुछ एक सेम रखना है, ठीक है, जो ट्विटर पे है, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब मैच करवा देना है। उसके बाद आप वो यूजर नेम सर्च करोगे तो आप ही का अकाउंट आएगा, आपके फोटोज आ जाएगा, ठीक है। आपको फोटोज अपलोड करने हैं, जैसे कि मैं करता हूँ इंस्टाग्राम में, रेगुलर नहीं करता बट जितने भी किए सभी ट्रेंड कर रहा है, आप स्क्रीन के साइड में देख सकते हो। मेरा नाम सिर्फ, मेरा नाम ही यूज किया है, मेरा यूजर नेम अलग है, ठीक है, मेरा सिर्फ नाम यूज किया है, मेरे फोटोज आ रहे हैं। और मेरा जो सेकंड चैनल है, ठीक है, जो स्टेटस अपलोड करता हूँ एवरी डे, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, तो इसी चैनल के वजह से मेरा फोटोज और भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ, पहले से आप यूट्यूब चैनल एक ओपन कर लो, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत कंटेंट अपलोड करना सीख जाओ, मीन्स कोई भी आपका जो भी नॉलेज है वो आप यूट्यूब पे दे सकते हो। उसके साथ क्या होता है, वो भी आपको ट्रेंड करेगा, अपना प्रोफाइल क्रिएट होगा, ठीक है, गूगल पे, वो बहुत ही बढ़िया होता है। और इसी तरह आपको गूगल पे भी रैंकिंग होता है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे रैंकिंग होता है, वैसी ही तरह इस पे भी रैंकिंग होता है। सो गाइस, आप डेली कंटेंट अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, डेली आप फोटोज अपलोड करोगे, कोई ट्वीट करोगे तो यही पे ट्रेंड होने वाला है गूगल पे ही। तो ट्विटर और गूगल कनेक्टेड है अभी, और गूगल प्लस का जो पहले यूज था, ठीक है, जैसे कि पहले मैंने गूगल प्लस भी यूज किया, इंस्टाग्राम की तरह है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, तो आपको समझ आएगा, तो आई होप आपको समझ आएगा। तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, इसी तरह गूगल पे ट्रेंड कर सकते हो। और एक कमेंट आया था मीन्स आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल पे कैसे आप ट्रेंड कर सकते हो, सिंपली आपको आपको वेबसाइट बनाना है, यूनिक सा नाम से वेबसाइट बनाना है, तो ये आप ट्रेंड करोगे। और कोई भी बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं उस पर आप कमेंट, मतलब आप कह सकते हो, आप मेल कर सकते हो उसको, ये मेरा प्रोफेशनल है, और इसी प्रोफेशनल के ऊपर आप कुछ काम करके आप उस पर ट्रेंड कर सकते हो। उसको बोलना है आपको आर्टिकल ये पोस्ट करना है, तो वो करेगा और कुछ पैसे, कुछ प्राइस लेगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वाला काम भी कर देगा। तो उससे क्या होगा, ऐसे 10-20 आर्टिकल जैसे बन जाते हैं, आपको वेरिफिकेशन वाला जो वीडियो है अभी तक नहीं देखा तो चेकआउट कर सकते हो, उसी वीडियो में मैंने बोला था यह वेरिफिकेशन के लिए आपको आर्टिकल्स डलवाना पड़ता है, उसी के ऊपर ये कमेंट आया था, आज मैंने बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बताओ आप गूगल पे फोटोज कैसे ट्रेंड कर सकते हो, फोटोज कैसे ला सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।